स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। गुरुग्राम में नमाज को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते हिंदू युवक के पास अब गुरुद्वारा कमेटी ने पेशकश करी। गुरुद्वारे के स्थानीय एसोसिएशन ने बुधवार को घोषणा करी है कि शुक्रवार की नमाज के लिए उनके द्वार खुले हैं। शहर में दक्षिण पंथी संगठन और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते शुक्रवार को पढ़ी जाने वाली नमाज लगभग आधी हो गई। आपको बतला दें कि कमेटी के हैरी सिंधु ने कहा, खुले में नमाज के विरोध के बारे में सुनना डिस्टर्बिंग है। हमारे गुरुद्वारे के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले थे और खुले रहेंगे। अगर मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए जगह ढूंढने में परेशानी आ रही है तो उनका स्वागत है तहे दिल से। उन्होंने बताया कि हर गुरुद्वारे में 1000 लोगों की क्षमता है। कोविड नियमों के अनुसार उन्हें छोटे समूहों में यहाँ आने की इजाजत है। पिछले शुक्रवार को शहर में खुले में नमाज अदा करने की संख्या घटकर 37 से 20 रह गई है। सिरोही में प्रदर्शन के बाद यह संख्या और कम 19 हो गई है। आपको बतला दें कि हिंदू युवक ने अपनी खाली कर दी थी दुकान। इससे पहले एक स्थानीय हिंदू ने मुस्लिमों को ओल्ड गुड़गांव में अपनी एक खाली पड़ी दुकान में नमाज पढ़ने की को दी। अक्षय राव पेशे से एक वाइल्ड लाइफ टूर ऑर्गेनाइजर है। वह ओल्ड गुड़गांव के मैकेनिक मार्केट में कई दुकानों के मालिक भी हैं। राव का कहना है कि उनकी दुकानों के ज्यादातर किरायेदार मुस्लिम हैं और उन्हें जुमे का नमाज पढ़ने के लिए तमाम दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। अक्षय राव ने उनकी परेशानियों को देखते हुए उन्हें अपनी एक खाली पड़ी दुकान में नमाज पढ़ने को दे दी। इस छोटी सी जगह में 15 से 20 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। आपको बतला दें, गुरुग्राम में आवामी जगहों पर नमाज विभाग में एक नया मोड़ आ गया है। गुरुग्राम के सदर बाजार गुरुद्वार कमेटी मुस्लिम समाज के लिए आगे बढ़ाया है और भाईचारे की एक नई मिसाल पेश कर दी है। गुरुद्वारे कमेटी ने मुस्लिम समाज के लोगों को कहा है कि अगर उन्हें गुरुग्राम में नमाज अदा करने में परेशानी आ रही है तो वो गुरुद्वारे में आकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत नमाज